हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन मैं है आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हूँ के चैनल्स पर आप लोगों के लिए फूड साइंस की क्लास में तो कैसे हैं आप लोग कैसे आपकी तैयारी चल रही है मैं ऑडिबल टू यू क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया लक्ष्मी मनीष हर्षित रेखा विजय जोहरा अंकिता अनिल वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सूरज शुभराज जैसे कैसे हो भाई आप लोग कैसे आपकी तैयारी चल रही है हाँ जी सुप्रभात आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है जो स्क्रीन पर इज इट क्लियरली विजिबल टू यू तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर कनेक्ट कर चुके हैं मेरे साथ एक बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी कनेक्टेड है एक बार क्लास को आप लाइक like भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे है ना उसी के बाद हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जैसे कि आप लोग को दिखाई भी दे रहा हो कि आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो फूड प्रिजर्वेशन मैथड्स और कुछ उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो कल मैंने आपको बहुत ब्रीफ में कुछ फूड प्रिजर्वेशन मैथड्स के बारे में बताया था आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा फूड प्रिजर्वेशन मेथड आप कौन से फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हो क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चंस आज भी करा दूंगी और कुछ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सेट कराए थे आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रीज ड्राइंग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं एप्पल के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं पोटैटो चिप्स के लिए क्या केमिकल को हम इंक्लूड uh, करते हैं तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन मैथड तो आज के सेशन के अंदर कुछ जो बचे हुए और इम्पोर्टेंट फूड प्रिजर्वेशन मैथड उनका डिस्कशन और साथ में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम लोग करने वाले हैं यस yes. uh, स्नेहल पवार, नो no. देखो सी एफ एसओ एंड टीओ बैचेस आर ऑलमोस्ट सेम ठीक है दे आर सेम बैच C CFO, uh, CFSO and TO batches are same. But the thing is, Jo batches CFSO? ko target? Hai, they will take the CFSO batch. And the students who are targeting TO exam, they will take TO batch. If you are targeting both the exams, so you can join one batch. Okay? Okay, Snehal. Is it doubt is clear to you? If you are preparing for both the exams, you can take only one batch. If you are preparing for a uh, CFSO, go and enroll in CFSO. And if you are uh, preparing for TO, then go and enroll in TO exam.

तो अभी आप लोगों के लिए ऑन ऑल ऑन ऑल योर डिमांड्स ठीक है आप लोगों ने जैसा डिमांड किया था कि मैम हमको बैचेस चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट पर तो अगर आप फसाई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू वांट टू टेक एडमिशन इन द लाइव बैचेस यू कैन यूज द कूपन कोड वाई थ्री डबल फोर एस ठीक है एस लगा के ही परचेज करें एस कर ही एडमिशन लें इफ यू वांट टू द डिस्काउंट ऑफ 80% परसेंट एट्टी परसेंट डिस्काउंट के लिए तो आपका टेक्निकल ऑफिसर का लाइव बैच सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का लाइव बैच दोनों का लाइव बैच अगर आप वाई थ्री डबल फोर एस कूपन कोड लगाकर एनरोल करेंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ एट्टी परसेंट और ये बैच आपको थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन रुपीज में पड़ जाएगा एंड इन द सेम वे

ठीक है जैसे कि आप लोग एग्जाम टाइम पर फॉर्म फिल नहीं करते हो 12 नवंबर लास्ट डेट हो उससे पहले फॉर्म फिल कर देना ठीक है सेम एज एडमिशन बैचेस में भी टाइम से ले लेना क्योंकि एक नवंबर से क्लासेस पूरी तरह से प्लान है स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद आप कंप्लेन करोगे कि मैम ये रिकॉर्डेड देखने को मिल रहा है तो पहले एडमिशन ले लेंगे तो आपको वो दिक्कत कहीं नहीं आएगी चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं और हाँ बिल्कुल चलिए अब आप लोग के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो चुकी है और दीज आर वेरी दीज नॉमिनल प्राइजेसर अप्लाइंग द कूपन कोड वाई थ्री डबल फोर एस ठीक है आई रिपीट वाई थ्री डबल फोर एस अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो यू विल गेट द टेस्ट सीरीज ऑन वेरी नॉमिनल प्राइजेस तो आप इनमें भी इनको भी एनरोल कर सकते हो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक और चीज बेटा आप लोग याद रखेंगे फॉर प्रिपेयरिंग वेल और डेली बेसिस पर अपने एनालिसिस के लिए डेली बेसिस पर खुद को एनालाइज करने के लिए आप लोगों के लिए डेली क्विज अवेलेबल हो रही है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर ठीक है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की जो ऐप है ऐप की बात कर रही हूँ प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करेंगे देर यू विल फाइंड दिलेटेड टू एफ एस एस एग्जाम हर एक पोर्शन की सेक्शनल क्विजेज अवेलेबल है गो एंड टेक दैट टेस्ट ठीक है ताकि आप खुद को डेली बेसिस पर एनालाइज कर सके और ये ई e बुक्स आप लोग के लिए इन मिनिमल प्राइजेस पर अवेलेबल हो जाएंगे इफ यू अप्लाई द कूपन कोड वाई थ्री डबल फोर एस लेट्स बिगन अवर सेशन तो जो भी स्टूडेंट्स अभी फॉर द फर्स्ट टाइम यहां आज कनेक्ट करें जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था गो एंड सब्सक्राइब

शन वन थिंग की जो भी स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कल भी हमने स्ट्रेटेजिकल अप्रोच सेशन में वो चीज क्लियर की थी एंड मोस्ट ऑफ द सेशन के अंदर ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर की जा चुकी है कि फूड साइंस वाला सेशन फोर्टी क्वेश्चन वन सिक्सटी मार्क्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस टू एग्जाम्स तो दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इफ़ यू आर टारगेटिंग अदर एग्जाम्स दिस सेशन इज मियरली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ठीक है तो अपनी प्रिपरेशन जो है अपना एग्जाम औरिएंटेड ही आप करेंगे ठीक है मतलब uh, आई एम सेइंग दिस मतलब ये सोचोगे आपकी मतलब मैं खुद अपने मुंह से ये चीज बोलूँ कि ये सेशन आपके लिए नहीं है बेटा क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना अगर ये आपके एग्जाम के लिए नहीं आ रहा है तो है ना अजीत कुमार यादव हम्म ओके okay, एप आप आपने डाउनलोड किया एफ एस एस आई सेक्शन नहीं दिया एफ एस एस आई सेक्शन भी उसमें अपडेट हो जाएगा अभी जो सेक्शन आप लोग के लिए अवेलेबल हो रहे हैं प्रिपेयर दैट सेशंस ठीक है और जो सेशंस है वो भी आप लोग के लिए जल्दी अपडेट हो जाएंगे उसमें ठीक है डोंट बी वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स ओके यस सिलेक्शन की क्लास एग्जैक्टली यूजफुल है लेकिन सीबीटी की क्लासेस अलग से हो रही है साइंस की वो क्लासेस अटेंड कीजिए सीबीटी के लिए प्रिपेयर करें तो अलग डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है साइंस विच डील्स प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डीकेज ऑफ फूड दिस अलाउिंग ठीक है तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आपको फूड प्रिजर्वेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने का है तो अगर आप फूड आइटम्स को स्पॉयल से बचाना चाहते हो तो आप कुछ पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करते हो पर्टिकुलर फूड आइटम्स को लाइक इफ यू टॉक अबाउट द वेजिटेबल्स तो उसके लिए हम अलग प्रोसीजर्स और अलग मैथड्स का इस्तेमाल करते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रूट्स जिनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है उनके लिए आप अलग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हो और अलग अलग हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठीक है कल हमने स्मोकिंग मेथड के बारे में डिस्कशन किया ड्राई स्मोकिंग स्मोकिंग वेट तो आपका मीट प्रोडक्ट्स एंड फिशरी को स्टोर करने के लिए हम इन मैथड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आज के सेशन में हम उसके आगे कुछ मैथड डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सेशन ओके राइट चलिए फिर देखते हैं क्या देखिए यहाँ पोर्टिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट पोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक आपने एक मिट्टी से बने बर्तन में किसी फूड uh, प्रोडक्ट को रख दिया है फॉर द लॉन्ग रन आपका ताकि वो वहां पर स्टोर करके रख सके या उसको और उसको और आप बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकें तो हम ये ट्रेडिशनल ब्रिटिश वे ठीक है का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट ठीक है मीट और जो आपके नॉन वेज और जो आपका बीफ हो गया या फिर पोर्क जो भी आपके मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर एक फैट की लेयर लगा देते हैं ठीक है फैट फैट की लेयर से क्या होगा फैट की लेयर फैट लेयर एक्ट एज एन इंसुलेटर ठीक है इट विल एक्ट एज एन इंसुलेटर यानी कि ये क्या करेगा जो ऊपर से मॉइस्चर कंटेंट और एयर इस फूड प्रोडक्ट को डिके करने के लिए नीचे जा सकता था ना ही वो उसको नीचे जाने देगा और ना ही यहाँ से जो भी स्मेल uh, है या फिर एक टेस्ट एनहेंस टेस्ट जो इसके अंदर से निकल रहा है मतलब जो भी यहां से फ्यूम्स निकल रहे उसको बाहर नहीं आने देगा ताकि कोई माइक्रोब यहां पे अटैक ना हो तो फैट लेयर एक्ट एज एन इंसुलेटर ठीक है तो पोटिंग मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ मीट राइट चलिए फिर शुरुआत करते हैं आगे हम्म चलो नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं आप लोग का जगिंग जगिंग मेथड किस लिए करते हैं जगिंग मेथड में क्या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट हम ऐड करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट के साथ ठीक है जगिंग मेथड में क्या एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है आपके फूड मैथ फूड कंपोनेंट के साथ ताकि आप उसको प्रिजर्व कर सके ये डिफरेंस है जैसे पोर्टिंग में हमने फैट की लेयर लगा दी है जगिंग में हम ब्राइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है जगिंग मेथड के लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन का या फिर वाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्राइन ब्राइन क्या है इज अ अल्ड सॉल्यूशन ठीक है हम क्या करते हैं या फिर एनिमल ब्लड का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग मीट बाय स्टूइंग इट इन एन अर्दन पोर्ट जग और कैसेरोल हमने क्या किया एक कैसेरोल में या फिर एक अर्दन पोर्ट में हमने मीट को लिया ठीक है ड्राई करके मीट को यहाँ पर लिया उसके ऊपर हमने ब्राइन और वाइन सॉल्यूशन को डाल दिया ठीक है तो स्ट्यू मीट इन एंड द एनिमल्स कभी कभी हम एनिमल के ब्लड को भी यहां पोर करते हैं ताकि हमारा जो हमने मीट प्रिजर्व करना है वो फॉर द लॉन्ग टाइम प्रिजर्व हो सके अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे लास्ट से सेशन में हमने बताया था कि कुछ आपके वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं सैलड्स और इवन दो मीट को भी मैरिनेट करने के लिए हम उसके ऊपर सोल्ट सोल्ट को करते हैं इन द सेम वे हम ब्राइन सोल्यूशन यहाँ पर जो एड कर रहे हैं वट विली माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, है, जो क्या करेगा यहाँ पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा ओके इज एट पॉइंट क्लियर टू यू ये हाँ अभी भी ये मैथड कुछ जगह पर यूज होता है बिल्कुल यूज होता है ठीक है प्रिजर्वेशन के लिए अजगिंग मैथड तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्रेफर करते हैं इवन दो वो वाला मतलब मैंने वो बताया कि जो पोर्टिंग मैथड है वो ब्रिटिश प्रिजर्वेशन मैथड है जिसको हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं राइट चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करते हैं ये तो आप लोगों ने सुना होगा नो क्या आप लोगों ने बुरियाल्स के बारे में सुना है ये हरप्पन सिविलाइजेशन वाले बुरियाल्स नहीं है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इट इज अ मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन और ये कौन से कौन से वेजिटेबल्स जो आपके रूटेड अंडरग्राउंड जो भी वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं लाइक रेडिश की बात कर लीजिए ठीक है रेडिश की बात कर लीजिए आप ट्यूलिप की बात कर लीजिए आप टर्प की बात कर लीजिए आप कैबेज की बात कर लीजिए ऑल दीज वेजिटेबल क्रॉप जिनको आप के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कैबेजेस और रूटेड रूट वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम इस मैथड का इस्तेमाल करते हैं ये सुना होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा देखा है कि नहीं देखा है हाँ जी फूड प्रोविजेशन पढ़ाई थी मैम क्या बात होगी एक बार रुको एक बार एक काम करते तक पढ़ लेते हैं के के बाद आप लोग डाउट्स क्लियर करूंगी क्वेश्चन कराते कराते ठीक है आई नो दिस डाउट्स आर इंपोर्टेंट एंड आई हैव टू क्लियर ऑल दिस डाउट्स पर पहले सेक्शन इंपॉर्टेंट है फूड प्रिजर्वेशन को फिनिश कर लेते हैं कल प्रिजर्वेटिव पढ़ाऊंगी ठीक है कल इन द सेंस नेक्स्ट सेशन में ओके रेडिश कैरेट टर्निप की बात कर लीजिए कैबेज की बात कर लीजिए तो उनको स्टोर करने के लिए उनको प्रिजर्व करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं इन द ग्राउंड प्रिजर्व फूड एज देर इज लैक ऑफ लाइट ठीक है अब कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे होते जैसे कि हम uh, कल पटेटो की बात कर रहे थे तो पोटैटो को हम ड्राई नहीं करते हैं ठीक है पोटैटो को हम फ्रीज करते हैं, उसको हम फ्री स्टोरेज करते हैं कल हमने वो फ्रेंच फ्राइज वाला कॉन्सेप्ट समझा था ठीक है जैसे कि हम आ, इसके अलावा हमने एप्पल की बात करी थी एप्रिकोट की बात करी थी तो उसको हम ड्राई करते हैं सन और विंड ड्राई करते हैं तो सिमिलरली ये जो आपके वेजिटेबल क्रॉप्स हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए हमको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना है कि इनका लाइट से जो कॉन्टेक्ट है वो कम से कम हो जाए एंड साथ में इनको ऑक्सीजन भी ना मिले बिकॉज ऑक्सीजन अगर यहाँ पर होगा तो मॉइस्टर यहाँ पर आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो बहुत फास्ट रेट पे होने लग जाएगा क्योंकि उनको एक्सपायर करने के लिए गैसेज एक्सचेंज करने के लिए कुछ मीडियम मिल जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इट हैज कूल टेम्परेचर पीएच लेवल एंड डेसिकेंट्स इन द सॉइल सॉइल के अंदर टेम्परेचर क्या होता है आपका ठंडा टेम्परेचर होता है और ये वही एक तरह से आपका ये कोल्ड स्टोरेज की तरह बिहेव कर रहा है पीएच भी तो लेवल्ड रहता है ठीक है, अल्कलाइन और एसिडिक पीएच मतलब ऐसा आपका सोइल uh, का जो पीएच होता है वो नॉर्मली अल्कलाइन पीएच होता है और पीएच पर कोई आपका माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है डेसिकेंट्स होता है ठीक है अगर यहाँ पर इनकेस अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसमें से जो भी मतलब उसके अंदर से जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स है उसको सोइल uh, जो है वो इनटेक कर लेती है ठीक है यहाँ पर उनके अगेंस्ट रिएक्शंस हो जाती है चलिए ये चीजें समझ में आई तो ये सभी मेथड्स आप लोग याद रखेंगे बेटा कौन से मैथर अभी जब आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे आज भी मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग अब देखोगे एक इनोवेटिव माइल्ड फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक है अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पल्स टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड आपने एक बॉटल के अंदर फूड प्रोडक्ट को लिया है आपने एक बोतल के अंदर फूड प्रोडक्ट को लिया है उसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल पल्सेस को अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट पर जैसे कि हमने एप्पल को यहाँ पर लिया देखो बेटा ध्यान से सुनो क्या चीजें मैं आप लोग को बता रही हूँ आपने बॉटल्स के अंदर एप्पल को लिया ठीक है एप्पल को डायरेक्टली प्रिजर्व करना लिक्विड फॉर्म में मुश्किल है ठीक है एप्पल को लिक्विड फॉर्म में प्रिजर्व करना मुश्किल है हम एप्पल के लिए ड्राई मेथड का इस्तेमाल करते हैं वैष्णो देवी के प्रसाद वाला एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था अब यहाँ पर देखोगे आपने जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल इम्पल को अप्लाई किया तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया इसके नियर प्रेजेंट हो सकते थे जो इसको आ, क्या कर सकते थे स्पॉइल कर सकते थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गया साथ में हमने एप्पल से एपी एपी बना लिया एप्पल जूस क्रिएट कर लिया ठीक है तो प्रोलॉन्गिंग सेल्फ लाइफ विदाउट क्वालिटी

ठीक है तो जब आप इसको कंज्यूम करना चाहेंगे तो आप इसके सील को ओपन करेंगे को इसके लेड को ओपन करेंगे और इसको पी लेंगे ओके okay? हाँ एपी फिज से एपी फिज पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोसेसिंग ये न्यू मेथड है यूजेस ब्रीफ पल्सेस एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड्स टू प्रोसेस सेल्स स्टिल इट एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज ठीक है अभी इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि इसको आप लॉन्ग रन में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए यहाँ तक कहा एपीफिज वाला एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है समझाने के लिए एपीफिज वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ओके देखो हाँ लोपा लोपा मुद्रा मझी देखो हाल के लाइन सोल देखो आपका देखो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तौर पर फंजाई भी प्रेजेंट है प्रेजेंट है ना ठीक है एटमोस्फेयर तो में हमारे हर वक्त पे सारे माइक्रो माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिजम्स है वो डवेल्प कर, कर रहे हैं वो यहां वहां भटक रहे हैं लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि किसी को कोल्ड इन्फ्लुएंजा जल्दी हो जाता है जिसका सिस्टम वीक है और जिसका इम्यून सिस्टम से वर्क करता है उसको नहीं होता है है ठीक तो के अंदर भी जब आपने बात कर के against, मतलब उनके पास केमिकल कॉम्पोनेट ऑलरेडी प्रेजेंट अंदर हमारा हल्दी होता है अदरक होता है लेकिन वो आपका प्रिजर्व रहता है ठीक है क्योंकि उनके यहाँ से जो आपका एंटी माइक्रोबियल एक्टिव कॉम्पोनेंट जो प्रेजेंट होते वो उनके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज को होने से प्रिवेंट करते तो सेम लाइक विद रूट वेजिटेबल्स ठीक है तो हर कोई हर किसी के लिए नुकसानदायक नहीं होता है ठीक है हर किसी का कोई अपना तो होता है वो किसी के लिए दुश्मन भी हो जाता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल वाली बात है जो आपको समझ में आ गई है चलो चलिए आगे डिस्कस करते लक्ष्मी इसका मतलब क्या है हाँ Uh, विवेक तिवारी डेली मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है सुनने के लिए कि डेली यहाँ पर एक स्टूडेंट ये जरूर पूछता है कि असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन या नहीं है बेटा इफ यू आर प्रिपेयरिंग एग्जाम तो आप जनरल साइंस का सेशन अटेंड कीजिएगा फॉर टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर फूड साइंस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिकॉज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल कवर फोर्टी क्वेश्चन एंड वन क्वेश्चन विल बी ऑफ मार्क्स ओके चलिए यहाँ पर आगे समझते हैं क्या है hmm. अजीत कुमार यादव पढ़ाई पे फोकस करोगे बेटा तो जिंदगी में कुछ पालोगे ठीक है जिंदगी में कुछ पालोगे और ऐसे ही नोटंकिया करते रहोगे तो ना कहीं के नहीं रहोगे ठीक है सिंपल भाषा में बोल रही हूँ बिल्कुल अब मॉडिफाइड एटमोसफेयर की अगर हम बात करें तो प्रिजर्व फूड बाय ऑपरेटिंग ऑन द एटमोसफेयर अराउंड इट ठीक है किसी भी फूड प्रोडक्ट को आप प्रिजर्व कर रहे हो उसके आसपास का जो एटमोसफेयर है उसी पर ऑपरेट कर पे उसी पर ही कुछ वर्क करके ठीक है उसी पर ही कुछ वर्क करके लेट्स से आप क्या कर रहे हो सैलेड क्रॉप्स को प्रिजर्व करने के लिए आपने पहले तो आपने सैलेड्स को कट करा ठीक है चॉप किया उसके बाद आपने उनको एक सील पैक्ड बैग्स के अंदर उनको आपने स्टोर करके रख दिया तो उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर था जहां पर वो पहले प्रेजेंट थे आपने उस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर दिया मॉडिफिकेशन कर दिया राइट right, ये बात आप लोगों को समझ में आई हम्म टेक्निकल ऑफिसर में मैथ्स नहीं है और में में भी नहीं नहीं है, देखो, technical officer CFSO में section included नहीं है। अब देखो देखो अब इस चीज को एटमोसफेयर अराउंड इट सैलेड क्रॉप दैट आर डिफिकल्ट प्रिजर्व आर पैकेज इन सील्ड बैग्स विद इन एटमोसफेयर मॉडिफाइड टू रिड्यूज देशन एंड इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ओके जो आपके सैलेड क्रॉप्स होती हैं लाइक सैलेड क्रॉप्स में हम किसको काउंट करते हैं कुम्बर को काउंट करते हैं ठीक है कुकुम्बर को काउंट करते हैं है, आपका और किसको बीट रूट को काउंट करते हैं ठीक है कैरेट को रेडिश को तो हम क्या करते हैं नॉर्मल उनको एटमॉस्फेयर देने की बजाय उनको सील्ड पैक्स बैग में डाल देते हैं जहां से एटमॉस्फेयर को आपने इस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को जितना हो सके उतना कम कर दिया है ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन को कम करने से क्या होगा कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज का जो माइक्रोबियल uh, एक्टिविटीज है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड की डाइऑक्साट्रेशन को बढ़ा दिया यानी कि जो जो उनके अंदर फूड है है वो रिटेन रहे ठीक क्योंकि आप मॉइस्चर कंटेंट जब हम रिड्यूस करने की बात कर रहे थे तो वी कैन रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेजिटेबल अप टू सिक्स टू एट परसेंट ओनली ओके ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था चलिए हाँ अभी आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करेंगे तो मॉडिफाइड एटमोसफेयर एंड कंट्रोल्ड एटमोसफेयर में क्या डिफरेंस है ओके okay. मॉडिफाइड और कंट्रोल्ड में क्या डिफरेंस है देखिए कंट्रोल में मतलब आपने ये टेम्परेचर कंडीशन को फिक्स कर दिया है कि लेट्स से ऑटोक्लेव की हम बात करते हैं लेट्स से ऑटोक्लेव की हम बात करते हैं लेट्स से हम uh, किसकी पेश पैशुराय, प्रोसेस की हम बात करते हैं ठीक है फॉर दीज प्रोसेस अब जब आप ऑटो क्लेविंग की बात करते हैं तो हमने कंट्रोल्ड एटमो कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन को वहाँ पर क्रिएट किया होता है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं लाइक like, हमने टेम्परेचर कंडीशन वहां पर देना है 121 डिग्री सेल्सियस और

में आपने फ्री एटमोस्फेयर में उसको फेंका हुआ था ठीक है जो रूम टेम्परेचर था वहां पर आपने उसको रखा हुआ था अब आपने सील्ड पैक्स जब उनको किया तो उनके लिए नियर टू वैक्यूम कंडीशन को क्रिएट करा तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दू ठीक है ओके

ठीक है हमने ऑर्गेनिजम्स के यूज को ही कंट्रोल कर दिया है ताकि हम चीज को वाइन को और बियर को ये आपके फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है आई रिपीट मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये तीनों आपके फर्मेंटेशन प्रोसेस से फॉर्म होने वाले ही प्रोडक्ट्स हैं ओके फर्मेंटेशन प्रोसेस से फॉर्म होने वाले ही प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें चीज आपका किसको फर्मेंट करके फॉर्म हो रहा है मिल्क को फर्मेंट करके फॉर्म हो रहा है जिसमें आपका थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया है वो इस्तेमाल होता है लेक्ट्रोबेसिलस इस्तेमाल होता है इसके फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए वेर इज वेन वी टॉक अबाउट वाइन एंड बियर तो ये आपका इनको इनमें आप क्या फर्मेंटेशन करते हो ठीक है इनमें आप जो फ्रूट प्रोडक्ट को फर्मेंट कर रहे हो इन द प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रिवर्स इस्ट जो कि आपका सेक्रोमाइसिस सर्वेसी होता है राइट इज इट पॉइंट क्लियर टू यू हाँ इज इट पॉइंट क्लियर टू यू हम्म चलो हाँ ऑटोक्लेव के लिए बिल्कुल सही पूरा बताया करो भाई ऑटोक्लेव के लिए 20 मिनट है चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्या लाइन लिखिए दिस मेथड यूज इज बेनिंग ऑर्गेनिज्म टू प्रिजर्व फूड बाय इंट्रोड्यूसिंग दैम टू फूड वेयर दे मेक एन इन्वॉर्मेंट व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर हार्मफुल पैथोजें टू ग्रो ओके इस मैथड में हम फूड प्रोडक्ट को जब प्रिजर्व करते हैं तो ऐसा

एंड बियर के बारे में तो दोनों में डिफरेंस है ठीक है हाँ दोनों में डिफरेंस है कहाँ पढ़ाई की है बताऊंगी उत्तराखंड से पढ़ाई करिए पूरा एक्सप्लेन करूंगी पहले इधर आ जाते हैं हाँ, ग्रेप्स स्पेशली ठीक है चलो

एक्रोमाइसिस सर्वेसी दो की एक एस्ट है ताकि जो आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द मीनिंग कि कौन से वर्ड का कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे उसको यूज करना है चलिए ऐसा जरूरी नहीं है समरजीत पटनायक देखो मैंने पहले दिन ही क्लियर किया था कि जो हम यहाँ क्लासेस में पढ़ रहे हैं वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस क्वेश्चंस के लिए आप रेगुलरली ये क्लासेस जरूर देखेंगे ठीक है ये क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप देखेंगे वहां पे हमारा पहले थियोरटिकल सेक्शन चलेगा और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते ही रहेंगे साइमटेनियसली ओके okay? चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेट व्यू डिस्कस अबाउट हाई प्रेशर फूड प्रिजर्वेशन अभी देखो ज़्यादा हाई प्रेशर फ़ूड जैसे कि हम ऑटो क्लेविंग की बात कर देते हैं और आपका और हम बात करते हैं उन मेथड्स की जिसमें आप हाई प्रेशर पर फूड को क्या करते हो ठीक है सील पैक करते हो इन साइड अ वेसल जब आप हाई प्रेशर कंडीशन प्रोवाइड करते हो किसी भी पर्टिकुलर आइटम पर तो क्या होता है आपका जो टेम्परेचर uh, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना वो कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफेवरेबल बन जाते हैं जब हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन देने के बाद ये वाला पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो नहीं करता है तो हम उसको स्टैंडर्ड मान के उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं फॉर द फर्दर प्रजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स ठीक है ये चीज समझ में आई हाँ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 8 एम टू 8 पीएम कहाँ है भाई 8 एम टू 8 पीएम कहाँ है मैं बताती हूँ अभी कब से कब तक की क्लासेस हैं कुछ भी मतलब देखो ध्यान से क्वेश्चंस नहीं आज हम थ्योरी टॉपिक डिस्कस करें मेथड दैट प्रेसेस फूड इनसाइड अ वेसल बाय एक्सर्टिंग हमने एक वेसल के अंदर फूड को प्रेस किया है उस पर 70000 पाउंड्स पर स्क्वायर प्रेशर लगाकर और इससे भी ज्यादा जिससे क्या होगा कि जो आपके हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो वो डिसेबल डिसेबल हो जाएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वो इनएक्टिव हो जाएंगे ठीक है वो इनएक्टिव हो जाएंगे एक तरह से एग्जांपल हम घरों में रेफ्रिजरेटर्स के अंदर फूड कंपोनेंट्स को रख देते हैं ठीक है फूड जो हमारा बच जाता है अभी नहीं खाया ठीक है दाल मखानी जो भी है जो मतलब लेट्स जो भी आपने खाना खाना था वो बच गया तो आपने उसको फ्रिज में रख दिया अब फ्रिज के अंदर जो प्रेशर कंडीशंस है, है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसेबल कर देगा इनएक्टिव कर देगा बट जैसे ही आप उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशंस पे लेकर आएंगे तो वो अपना डोरमेंट स्टेज से बाहर आ जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्पॉयलेज का जो उसका काम है कारोबार है वो शुरू कर देगा ओके पॉइंट क्लियर चलो <coughs> येस yes, वो आपका ट्यूमर भी होता है लेकिन ट्यूमर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें। tumor, हम ट्यूमर ठीक है ऑर्गेनिज्म और बेनिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ टारगेटेड और स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म को शो करने के लिए किया है चलो अब देखो इससे आपका फूड प्रोडक्ट की अपियरेंस टेक्स्र एंड फ्लेवर जो है वो बना रहेगा वैसा ही रहेगा ओके <coughs> एट ए एम टू एट पी एमशन है क्लासेस के टाइमिंग हैं, ठीक है स्टडी प्लान में क्लासेस की टाइमिंग हैं, चलिए देखिए, पेशराइजेशन के बारे में तो विनो एवरीथिंग बट मैं पेशन को यहाँ पर इसलिए मैंशन किया है देखो बेटा प्रोसेस की बात करें तो अमेरिकन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अलग टेम्परेचर और टाइम सिचुएशन और स्टैंडर्ड लेते हैं और वहीं पर इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं और एक और यहाँ पर मैंने आज, आज आपको एक क्वेश्चन भी कराना है कि आप अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर अगर मिल्क प्रोडक्ट्स को मिल्क को स्पेशली पेस्चराइज कर रहे हो तो उसकी सेल्फ लाइफ को आप कितना तक बढ़ा सकते हो दिस वॉज द क्वेश्चन आस्ड इन द एफ एस एग्जाम कि अगर आपने मिल्क प्रोडक्ट को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर प्रेशराइज्ड किया है तो अब इसकी सेल्फ लाइफ शेल्फ लाइफ क्या है वो कितनी बड़ी है दिस इज द शेल्फ लाइफ ठीक है शेल्फ लाइफ शब्द का मतलब क्या होता है कि आप उसको कितना समय तक स्टोर करके रख सकते हो बिना स्पॉयलेज के ठीक है बिना के, बिना के हुए तो अब आप मुझे बता दीजिए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आपने जो भी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग बहत्तर डिग्री टेम्परेचर को देते हैं पंद्रह सेकंड के लिए या फिर आपका कितना सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को देते हैं थर्टी मिनट्स के लिए और रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को कितना समय तक रिपीट करते हैं ठीक है इसको मैक्सिमम टाइम तक रिपीट करके और फिर हम मिल्क को इतना लो टेम्परेचर दे देते हैं टेन डिग्री सेल्सियस और इससे भी कम और फिर उसको स्टोर करने के लिए रखते हैं मतलब पहले तो उसको आपने गर्म कर दिया अच्छे से उफान लगाते हो दूध में बार बार फिर उसको एकदम से स्लो सिम लो कर देते हो फिर हाई सिम लो तो इस तरह से आपने प्रेशराइज कर दिया यानी कि उसके अंदर जो हार्मफुल किल कर दिया इसको करने के बाद आपको जो फोस्फेटेज टेस्ट मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव टेस्ट यानी कि उसके अंदर से सारे किल हो चुके हैं अब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई है तो आंसर मी क्वेश्चन यस हम्म देखो देखो टॉपिक पर ही रहो अप टू सिक्स मंथ स्पेशली आप क्या मेंशन करते हो भाई आप इसको मेंशन करते हो ठीक ठीक है standard, है मन, 30 to 90 days है है, नहीं दीक्षा अभी वो आपकी अपडेट हो रही है ठीक है है हो रही है, एक बार हाँ अल्ट्रा हाई अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कंडीशन पर आप मिल्क को कर रहे हो तो उसकी सेल्फ लाइफ आप थर्टी टू नाइन्टी डेज तक बढ़ा सकते हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अजीत कुमार जो इस टॉपिक स्पेसिफाइड चीजों की वही एक्सप्लेन की जाएंगी आप लोगों को फूड इरेडिएशन की बात करें और हम बात करें फूड इरेडिएशन में और प्रेशन में क्या डिफरेंस है इन द केस ऑफ प्रेशराइजेशन जब आप प्रेशन प्रोसेस की बात करते हो फॉर द स्टोरेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स तो आपने क्या क्या था टेम्परेचर कंडीशन को बढ़ा देते हो ठीक है हाई टेम्परेचर कंडीशन को सप्लाई करते हो उससे आप

यस yes, हाँ जो टेट्रा पैक है मिल्क का और जिसको हमने लास्ट क्लास में कुछ और वर्ड कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था उसके लिए अलग है ठीक है यहाँ पर जो आप अल्ट्रा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया है पेशुराइज मिल्क को और उसको शेल्फ लाइफ आपकी थर्टी टू नाइनटी डेज होती है एंड दिस इन द एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओके द डिफरेंस इज दैट पेशन यूजेज हीट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आपने हीट का इस्तेमाल किया है हाई टेम्परेचर कंडीशन का इस्तेमाल किया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए वेर जैसे कि आपका बैक्टीरिया है वायरसेज है दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड वेर

रेडिएशंस की वजह से रेडिएशन को जब आप थ्रो करते हो तो इससे आप स्प्राउटिंग को कंट्रोल कर सकते हो डिले राइपनिंग एंड इम्प्रूव रिहाइड्रेशन अब दोनों वर्ड्स और दोनों के बारे में सुन लो एक बार ध्यान से पेस्टराइजेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं उनके स्पॉयलेज को प्रिवेंट करने के लिए वेयर एज इडिएशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आपका वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रिवेंट करने के लिए ठीक है तो अलग अलग मेथड्स को आप अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं सेम लाइक like जो मैंने आपको मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कंडीशन वाला बताया था और साथ में मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कंडीशन वाला आप सैलेड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड कंट्रोल्ड एटमोसफेयर कंडीशन वाला जो प्रोसेस है वो आपका बियर वाइन और चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो बेटा याद रखना है डिफरेंस याद करना है सभी का, okay? चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं है। तो इनहिबिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो यहीं पर ये सारे क्वेश्चन हुए ओवर नाउ मूव टू द यही पर ये सेक्शन ओवर हो चुका है अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं uh, शिवी दुए ये तो आपको ई बुक्स अवेलेबल होती है ठीक है ई बुक्स अवेलेबल होती है जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर ही आप लोगों के लिए वो अवेल अवेलेबल होगा कुछ टाइम पीरियड के लिए ठीक है ऐसा कुछ होता है यहाँ पर हाँ आयनाइजिंग रेडिएशंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है और ज्यादातर माइक्रोवेव रेडिएशन जो आप माइक्रोवेव रेडिएशन का यूजली हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपके फ्रूट प्रोडक्ट्स के अंदर पेनिट्रेट एक तो नहीं करेंगी एक तो ये आपके फूड प्रोडक्ट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी जिससे उसको डैमेज होना डैमेज नहीं होगा वो ठीक है Penetrating power इनकी नहीं होते हम गामा रेज और एक्स रेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम माइक्रोवेवस का इस्तेमाल कर रहे हैं फोर द प्रोसेस ऑफ इराडिएशन राइट इज दट पॉइंट क्लियर टू यू हाँ टेक्निकल ऑफिसर में रीजनिंग आती है ठीक है टेक्निकल ऑफिसर में रीजनिंग आती है ओके okay. चलो यहां तक ये एग एग प्रोडक्ट्स के के लिए हम के लिए हम अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलो आगे करते हैं। मीट्स आर आपने वैक्यूम कंडीशंस में मिल्क प्रोडक्ट्स को पैक कर लिया है अब आपको उनके स्पॉइलेश को प्रिवेंट करना है किससे किसमें कौन स्पॉइल कर सकता है मिल्क प्रोडक्ट्स को वैक्यूम पैकेजिंग के बाद भी बैसिलस थर्मोस्पैकेटर लैक्टोबैसिलस या फिर बोथ ए एंड बी व्हाट विल बी द राइट आंसर सी वुड बी द राइट आंसर ठीक है आपके वैक्यूम पैकेज्ड जो मीट प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपका इन दोनों बैक्टीरिया से स्पॉइलेज हो सकता है किस वजह से स्पॉइलेज हो सकता है इसका रीजन आप लोग मुझे बता सकते हैं देखो जो आपका मीट प्रोडक्ट्स हैं उनके सॉर एसिड एंड चीजी ऑर्डर प्रोडक्शन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक एसिड्स और फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं ठीक है तो उनके उनके स्पॉयलेज यानी कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर एंटर करके उनको स्पॉइल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द मीट ठीक है ये जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मीट के अंदर इस वजह से राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते विल नेक्स्ट क्वेश्चन कल्टिंग के बारे में डिस्कस किया था पिकलिंग के साथ साथ शुगर के बारे में डिस्कस किया था जेलिंग के, के बारे में डिस्कस किया था ऑल दीज डिस्कस्ड यस्टरडे तो आज हम बात कर लेते हैं कि सोल्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव ठीक है सोल्टिंग प्रोसेस का आप इस्तेमाल करें ब्राइन सोल्यूशन सोडियम uh, हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हो गया फिर सोल्ड सोल्यूशन हो गया सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन हो गया आपने उसको स्प्रिंकल किया है आपने उसको स्प्रिंकल किया है वेजिटेबल क्रॉप्स के ऊपर वेजिटेबल्स के ऊपर ताकि आप उनको प्रिजर्व करके रख सकें माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या कर सकें इन इन तीनों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए यस yes, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी लाइक like नहीं करा है आप एक बार इस को लाइक like कर देंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होने वाला है राइट right? चलो बताओ आप इतना एक्सप्लेन करने के बाद बी फ्यू पीपल आर कन्फ्यूज की क्या क्वेश्चन लगाना है और क्या इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है और कैसे लगाना है तो भाई काम नहीं चलेगा पहली बार और सेकेंड थिंग आपको पूरा एग्जाम पैटर्न पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक है सिलेबस और पर्टिकुलर सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आता है एवरीथिंग इज डिस्कस्ड ठीक है कल भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक अप्रोच सेशन में आपको सभी जितना भी वैकेंसीज रिलीज हुआ है उसका बहुत ही आराम से प्यार से सभी डाउट्स को क्लियर किया है और एक और चीज स्टूडेंट्स वर आस्किंग मैम पेपर ऑनलाइन होने वाला है या फिर ऑफलाइन होने वाला है पेपर विल बी ऑनलाइन सीबीटी का मतलब ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग दे आर आस्किंग कि मैम ये जो सेक्शन है वो इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा बच्चा एक बार ध्यान से सुनो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री को एक्वायर किया है इन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स लाइक फूड प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री वट एवर द सब्जेक्ट्स आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार ध्यान से सुनो ये सब्जेक्ट्स को आपने जो टेक्निकल टर्म्स हैं स्टैंडर्ड टर्म्स है वो इंग्लिश में ही पढ़ा होगा इंग्लिश में ही समझा होगा तो इस चीज पर ध्यान दो जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करू ताकि आपको कोई डाउट ना रहे अगर आप मन में संदेह के साथ ही बैठोगे तो वो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा और एक बात डेली एक चीज बोलती हूँ और आज लास्ट टाइम बोल रही हूँ ठीक है आज बिल्कुल लास्ट टाइम बोल रही हूँ पहले फोर्टी फाइव मिनट्स प्लीज फोकस करा करो स्टडीज पर लास्ट के टेन मिनट्स फोकस करा करो क्वेरीज पर ठीक है ऐसे डिस्ट्रेक्ट ना हो एग्जाम में भी डिस्ट्रेक्शन रहेगा नहीं तो तुमको फिर ऐसे होने से कोई फायदा नहीं है और ये ही नाम मेंशन इसलिए किया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ ठीक है रिटार्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ये रिटार्ड कर देता है कंट्रोल कर देता है प्लाज्मोलाइसिस बैक्टीरिया और फंजाई बिल्कुल क्या हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा जैसे आप उनको यहाँ कंपोनेंट के अंदर रखोगे उसके अंदर जैसे आप सोल्टी कंडीशंस के अंदर उसको रखोगे तो उसके अंदर का जो सारा पानी है वो बाहर चला जाएगा और वो कुछ टाइम के बाद श्रिंक हो जाएगा और मर जाएगा नेक्स्ट इज यूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हेलोफाइल्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोफाइल्स हेलोफाइल्स आर द ऑर्गेनिज्म विच लव टू ग्रो इन द सोल्टी कंडीशन और हेलाइ, जो होती है ठीक है हेलोजन सोल्स की जो कंडीशन होती हैं जो ऑर्गेनिज्म उन कंडीशन में आ, ग्रो करते हैं जो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये क्या करता है यूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हैलो फाइल्स तो हैलो फाइल्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए वी टॉक अबाउट थर्मोफाइल्स हम थर्मोफाइल्स के बारे में बात करते हैं वी टॉक अबाउट एसिडो फाइल्स एंड इन द सेम सिक्वेंस देर इज अ टर्म कॉल्ड एज हेलो फाइल्स राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन

मेंशन इन द कमेंट शन आफ्टर क्लास ठीक है क्लास के बाद कमेंट सेशन में आप अपनी एक्सप्लेनेशन को जो इस क्वेश्चन रिलेटेड आपको डाउट है मेंशन करो हम इसके बारे में फिर मंडे के सेशन में और डिस्कस करेंगे सारे डाउट्स क्लियर होंगे अभी आ, मतलब अभी आज मतलब इन द सेंस इसी सेक्शन में यस yes. हाँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए मिल्क फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस चीज इज डन इनिशियली बाय इनोक्यूलेटिंग विद किससे इनोकुलेट करके अभी बताया था हम मॉडिफाइड टेम्परेचर और कंट्रोल्ड एटमोस्फेरिक कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग फूड uh, और फ्रूट कॉम्पोनेंट्स को स्टोर करने के लिए फूड के अंदर सब कुछ आ जाता है फ्रूट के अंदर से फ्रूट आता है तो आपने मिल्क को फर्मेंट किया है चीज को प्रोड्यूस कर दिया तो चीज प्रोडक्शन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है बताओ भाई दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन ओके okay, एक बार यहाँ क्वेश्चन के बाद फिर आपका डिस्कशन आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देते हैं आपके बहुत क्वेरीज रहते हैं आप बायो बैकग्राउंड से नहीं है बट वी आर डिस्कसिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड कंपोनेंट मतलब कॉम्पोने के सेक्शन देखो फिर एक बार नापन तपन कुमार साहू एक बार हमेशा क्या होता है जब किसी नए एजुकेटर से हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें वहां से शुरू करना चाहिए ठीक है स्टूडेंट्स के लिए एक बात बता रही हूँ जो आपका स्ट्रॉन्ग सेशन है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उसके बाद फिर हार्ड सेक्शन की तरफ मूव करो, ठीक है? तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को रियलाइज होगा कि हाँ सिलेबस के अंदर ये चीजें मैम जो करा रही हैं वो सच में आप लोग के लिए इफेक्टिव होने वाली हैं राइट और इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया बताओ संडे को क्लासेस नहीं होगी इज लेक्टोबेल बुलगैरिकस एंड स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस ठीक है दिस इज द राइट आंसर स्टेप्टो कोकस थर्मोफिलस इज द राइट आंसर नोट स्टेप्टोकोकस लैक्टिस आंसर नहीं है ओके okay? दिस इज द राइट आंसर अब इसी के साथ एक और चीज जो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेटा इसी के साथ एक और चीज जो यहां पर हम लोग देख देते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द बैचेज ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट ऑन योर डिमांड जो भी आप लोग के लिए टेक्निकल ऑफिसर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट और जो इवन दो टेस्ट सीरीज e है और ई बुक्स हैं एफ एस एस सी एग्जाम्स के लिए जो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के स्टोर पर अवेलेबल है उन सभी के प्राइजेस रिड्यूस कर दे है 80% तक ओके okay? तो वो आपको तभी मतलब ये जो आपको बेनिफिट है वो तभी मिलेगा तभी अवेल होगा इफ यू अप्लाई द कूपन कोड Y344S ठीक है Y344S अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 80% ऑन ऑल द बैचेस ऑन ऑल द टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स अवेलेबल ऑन अड्डा 247 स्टोर फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन तो इफ यू आर सीरियस अगर एग्जाम और एक और बात ध्यान से सुनो लास्ट डेट का वेट नहीं करना ठीक है फॉर्म फिल कर देना क्योंकि सात तारीख तक तो आपको होश ही नहीं रहने वाला है बिकॉज दिवाली आफ्टर दैट भैया दूज उसके बाद दो दिन रेस्ट संडे भी आ गया है साथ में तो ऐसा नहीं सोचना अच्छे से अपना फॉर्म फिल कर दो अभी लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करेंगे हम एक बार ऐसा जरूरी नहीं है फर्स्ट बार जो दिल कहे वही होता है हा फर्स्ट बार जो दिल कहे वही होता है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है चलिए फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगले सेशन में आगे फर्दर तब तक के लिए बाय टेक केयर हैव अ नाइस टाइम अपना ख्याल रखिए अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए हम्म